ये बढ़िया स्टॉक है, बिल्कुल। इसमें जब भी कोई करेक्शन आते हैं ब्लू स्टार में, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक बढ़िया है, ये होल्ड के लायक है और होल्ड करना भी चाहिए। डिप मिलती है तो बाइंग का मौका रहता है स्टॉक में, तो बस होल्ड। उसको होल्ड करिए। गावा सर, पिडिलाइट का शेयर खरीदेंगे क्या? 5% ऊपर है। आज तो नहीं खरीदूंगा, लेकिन ये कंसोलिडेशन जोन पर है। अगर अपन नजरिया लंबा है तो आज खरीद सकते हैं। ट्रेडर का नजरिया है तो मैं होल्ड करूंगा। ट्रेजर का नज़रिया है तो होल्ड करेंगे। एक स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी, उन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया, स्टॉक 10% नीचे, आज भी नीचे 1% है। गावा सर, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है पेट्रोनेट एलएनजी में? इसमें एक्चुअली कचरा पैटर्न कहते हैं, वो कचरा पैटर्न है। कचरा देखा जाए तो एक पैटर्न। बहुत ओवरलैप पैटर्न है, क्लियर कट ट्रेंड है नहीं यहाँ। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, जब ट्रेंड मिसिंग हो तो मजा नहीं आता। ट्रेंड जरूरी है पैसा कमाने के लिए, और ये पैटर्न इस पे वो नहीं है, पूरा ओवरलैप पैटर्न है, तो इसको एक्चुअली इग्नोर करना चाहिए। हो सकता है लोअर लेवल है, लेकिन 180 में एक सपोर्ट है, इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इंट्राडे कर लो तो ठीक है, वरना छोड़ देना चाहिए। हाँ, इंट्राडे करो वरना छोड़ दो भाई। पैटर्न अगर नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप करें ही करें, ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ है। कब सर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 93 रुपये 40 पैसे में, इसका ज़रा बड़ा चार्ट दिखाई 15 दिन का। पिछले दिनों की बड़ी फॉल में भी इस स्टॉक ने 91 को होल्ड किया था, क्या बहुत मजबूत है क्या है?